हेलो मैडम, मुझे मेरे दादाजी से बात करनी है। सर, गुरुजी एक दिन में सिर्फ 5 आत्माओं से ही बात करते हैं। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करवाते हैं तो 10 दिन में आपको अपना अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो आप अपना नाम, अपना एड्रेस, जिनसे बात करनी है उनकी डिटेल्स, और साथ में ही अपना व्हाट्सएप नंबर हमें दे दीजिए, और 5,000 रुपीज सेम नंबर पे गूगल पे कर दीजिए। फिर आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। बैलेंस 5,000 गुरुजी से मिलने के बाद दे दीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। इनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, उनसे बात करने आई है। कैसी है रे तू? अपना ड्राइवर सुंदर कैसा है? बाहर इंतजार कर रहा होगा। हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी ना, फिर मैंने सुसाइड क्यों किया ये पूछने के लिए आई है? मैं ऑफिस में नाइट शिफ्ट की जॉब कर रहा था, अचानक आकर देखा तो तू ड्राइवर के साथ लगी हुई थी। चलिए अंदर बुला रहे हैं। इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, उससे बात करना चाहते हैं। ये कौन है? ये मेरे पड़ोसी हैं। गौतम इन्हें बहुत पसंद करता था, इसीलिए साथ आए हैं। साइकिल सही चला रहा था, किसी ने धक्का मार दिया। पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? मैं अकेले नहीं रह सकता माँ, मुझे यहाँ से ले चलो माँ, मुझे भाई के साथ मिलकर खेलना है। आओ ना माँ। माँ माँ, अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो माँ। दर्द हो रहा है माँ। Thank you.
हाय व्यूअर्स, अभी तक अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा था आप लोगों ने सब देख लिया है। ये लोग नाटक करते हैं जैसे कि ये मरे हुए लोगों से बात करा रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये लोग 10 दिन का टाइम मांगते हैं। उसके बाद इनकी ये जो टीम है वो आपकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स कलेक्ट करती है। यहाँ से ये टीम इसे बताती है कि ये लोग कैसे मरे। जैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स इन्हें मिल जाती है, आपको बुला के ये आपके सामने ऐसी लुभाने वाली एक्टिंग करते हैं। ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहें। कौन है रही है? यही तो है वो साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अर्जुन। उसका घर किधर है? मम्मी, पापा कब तक आएंगे? आज तुम्हारे पापा को बहुत काम है, आने में लेट हो जाएंगे। डियर, आपको नींद आ रही है? हाँ बेटा, तुम्हारी डियर को नींद आ रही है। ले जाकर इसे सुला दो और तुम भी सो जाओ। वेदिका, ये लो, उस रूम में चार्जर है ना, इसे चार्ज पर लगा दो।
रिलैक्स दिव्या। वेदिका दिव्या, अभी आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती हूँ। मेघा, बी केयरफुल। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो क्यों सर, आप इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? प्लीज बी सीटेड। तुमने दिव्या की केस हिस्ट्री देखी है? दिव्या हमेशा टेंशन में ही रहती थी। दिव्या का एक बेटा भी है जो बचपन से ही गूंगा है, लेकिन वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है। दिव्या को ऐसा महसूस होता है कि उसका बेटा जो भी ड्राइंग बनाता है वो हमेशा सच हो जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। जिस ड्राइंग में वो रेड कलर यूज करता है वो ड्राइंग सच हो जाती है, और इसी वजह से दिव्या शॉक में है। दिव्या, ये क्या कर रही हो? ये हमारे बगल के घर में रहने वाला पपी है। जब उसका कार से एक्सीडेंट हुआ था तो इसने अपनी आंखों से देखा था। ए, ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। इतना बड़ा चढ़ा के बोल रही हो यार। कोइंसिडेंस नहीं है, एक बार हो तो कोइंसिडेंस कह सकते हैं। इसकी क्लास टीचर निर्मला का पिछले हफ्ते कार से एक्सीडेंट हुआ था, याद है ना? हाँ याद है। तो क्या हुआ? इसने क्लास में ध्यान नहीं दिया था तो उन्होंने इसे बस धीरे से एक बार मारा था, और गुस्से में इसने शाम में ये पिक्चर बनाई थी। उसके दूसरे दिन ही लॉरी से उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका हाथ टूट गया था। ठीक है, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? अब ना ड्राइंग बुक और पेंसिल इसके पास ही नहीं रहेगी। अरे आगे से वो कभी ड्राइंग ना बनाए, इसलिए दिव्या ने उसकी ड्राइंग बुक और कलर पेंसिल ड्रॉअर में रख दी है, और इससे उसके बेटे सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। हे सिद्धार्थ, इसकी ड्राइंग बुक इससे छीन के रख दी है ना, इसलिए इतना नाराज है। आज स्कूल भी नहीं गया। थोड़ी देर इसे बाहर ले जाओगे तो इसे भी अच्छा लगेगा। ऑफिस में मीटिंग है और टाइम भी हो गया है। ऐसा करता हूँ, शाम को जल्दी आता हूँ, तब बाहर ले जाऊंगा। बाय सिद्धार्थ। बाय। दिव्या को लगा कि सिद्धार्थ अपने पापा से इतना चिढ़ावा क्यों है, और उसने अपनी ड्राइंग बुक में क्या बनाया होगा। जब दिव्या ने चेक किया तो सिद्धार्थ ने श्वेता आंटी के नाम पे एक नोटबुक बनाया था। यह देखकर दिव्या को शक हुआ। सिद्धार्थ के पापा दिव्या के पीठ पीछे श्वेता के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जिसकी किसी को भनक नहीं थी। सिद्धार्थ ये बात जानकर अंदर ही अंदर तड़प रहा था। वो पापा से नाराज था। ये सब जानने के बाद दिव्या का दिल टूट चुका था। अब उसे पता चल चुका था कि उसके पति का किसी और औरत के साथ अफेयर है। दिव्या ने बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने ड्राइंग बनाना नहीं छोड़ा।
वो फिर से ड्राइंग बनाने लगा। Wait, baby. It's for me. Actually, I was hungry. So I ordered in Swiggy. Just a minute. I'll be back. ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है ना। मैंने तुम्हें जो बात बताई है ना, वो दिव्या ने खुद मुझे अपने मुंह से बताई है। बट जब मैंने इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट किया तब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। दिव्या ने मुझे बुक देकर बताया था कि ये ड्राइंग उसके बेटे ने बनाई है। पहली ड्राइंग में तुम देख सकती हो कि एक पपी किसी कार के नीचे आके मर गया, लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर ये सेकंड ड्राइंग? ये भी उसके बेटे ने ही बनाया है। दिव्या ने ड्राइंग के बारे में जो भी बात बताई है वो सच है, लेकिन जो पहली वाली ड्राइंग है पपी वाली, वो उसकी कल्पना है। ओह। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ के क्लास टीचर ने उसे मारा था, इसलिए गुस्से में उसने ये ड्राइंग बना दी, लेकिन ये भी ड्राइंग सच नहीं हुई। ओह। तो फिर उसके हस्बैंड को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना सर? इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। दिव्या के पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसका एक्सीडेंट हुआ, ये बात 100% सच है, लेकिन ये जो सिद्धार्थ की ड्राइंग है वो दिव्या की कल्पना है। ये क्या है सर, सिर्फ इस ड्राइंग को आप कल्पना बता रहे हैं? सिंपल है, बेसिकली सिद्धार्थ एक छोटा सा लड़का है। पापा किसी गैर औरत को घर लेकर आए, सिद्धार्थ ने देखा तो उसने ड्राइंग बना ली। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में सेक्स की जानकारी और इस गलती पर क्या सजा होती है ये भी उसे पता है। छोटा बच्चा, इतनी जानकारी चांस ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जितनी भी ड्राइंग बनाई है उसका प्रूफ दिव्या ने दिया, लेकिन आखिरी वाली ड्राइंग का कोई प्रूफ नहीं दिया। और ये वाली ड्राइंग, ये उसके घर में ही बनी है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये जो सारी गड़बड़ी है वो दिव्या के अंदर ही है ना? ऑफ कोर्स, दिव्या को जो हो रहा है उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन केमिकल रिएक्शन से काम करता है, कभी कभी उसमें बदलाव होता है, और किसी किसी में जब ऐसा बदलाव होता है तो उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है और वो विश्वास करता है कि वो जो कुछ भी देख रहा है बस वही सच है। तो इसी तरह ये दिव्या भी इस पर विश्वास करने लगी है। मोस्टली दिव्या ने ये सब सपने में देखा होगा, इसलिए उसे पता नहीं चलता होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप जब उसे हिप्नोटाइज कर रहे थे तब जो कहानी सुना रही थी? दिव्या जैसे लोग जो होते हैं, वो लोग जब कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो खुद इस कहानी को भले ही सीरियस ना ले, लेकिन जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो इस कहानी को सीरियसली ले लेता है और वैसा ही रिएक्ट करता है। जैसे वो लोग रिसेंटली किसी से मिलेंगे या कुछ देखेंगे या कोई स्टोरी पढ़ेंगे तो चांसेस है कि यही चीज इनके सपने में आएगी। सर, एक लास्ट सवाल और है। यस। जब उसने मुझे देखा तो मुझे होशियार रहने के लिए कहा, वो ऐसा क्यों बोली सर? उसकी कहानी में प्रेग्नेंट लेडी तुम हो और उस कहानी का किलर मैं। तो आपके कहने का मतलब है दिव्या रिसेंटली जिसे देखती है वही सपने में आता है, सच है ना?
आज शाम में एक रियलिटी शो वालों ने हम दोनों को बुलाया है। वी हैव टू गो। ओके, नमस्ते। मिस्ट्री गोल्ड हाउस प्रस्तुत रियल और नॉट इस शो में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते रियल और नॉट इस शो पे बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बातें होने वाली हैं। भूत प्रेत है या नहीं, जैसे कि आत्मा, भूत प्रेत, ये सारी चीजें हैं या फिर नहीं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। दुनिया में भूत प्रेत है और ये शक्तियाँ काम करती हैं, ये मानने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनफैक्ट ये प्रूव भी कर सकते हैं कि दुनिया में भूत प्रेत आत्मा जैसी कई शक्तियाँ हैं। ये अपने तंत्र मंत्र से उनके संपर्क में रहते हैं और इस तरफ जो लोग बैठे हैं वो इन चीजों में विश्वास नहीं करते। इनका कहना है ये मानसिक बीमारी है, आत्मा, भूत प्रेत, ये सारी बातें झूठ है। ये कहने वाले फेमस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स भी हमारे बीच मौजूद हैं। अब इस कार्यक्रम में सबकी रुचि बढ़ रही है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके मन में क्या सवाल हैं। अब ये लोग जो है वो इन सवालों का अच्छे से जवाब दे सकते हैं। भूल भुलैया के राजपाल की तरह मैं भी पूछूंगी कि भूत होते हैं या नहीं होते, भरोसा करें या ना करें। भूत होते हैं ये आप कैसे कह सकते हैं, इसके कोई लक्षण है? अगर घर में भूत है तो भगवान के सामने दिया जलाने से वो नहीं जलेगा। अच्छा, अगर जलाने की कोशिश करेंगे तो वो बुझ जाएगा, दिया बुझ जाएगा। आप बताइए, बिना वजह घर में परेशानी होगी? माइक पे बोलिए प्लीज। बेवजह घर पे परेशानी बढ़ेगी। बेवजह परेशानी बढ़ेगी या फिर बढ़ती जाएगी? उस घर में हमेशा परेशानी बढ़ेगी। ओके, हमेशा उस घर में परेशानी रहेगी, ये तो इन्होंने भी कहा। लगेगा कोई गलत अब आ रहा है। आप उस घर में सो भी नहीं सकते। मतलब घर में नींद नहीं आएगी, घर में बदबू रहेगी, बास मारेगा, संडास की तरह घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब घर में दिया नहीं जला सकते, घर में चैन से सो भी नहीं सकते और घर में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। घर में दुर्गंध रहना ये भी एक लक्षण है आपके घर में अमानुष शक्तियों के वास करने का। ये सब हम जान सकते हैं इनके बात करने के ढंग से और इनके वॉइस के फोर्स से। ये सब सुन के थोड़ा डर तो लग रहा है, पर ये सारी बातें रियल है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। हमारे पैनल में कई डॉक्टर्स हैं, आइए इनसे इनकी राय जानें। मुझे लगता है कि ये लोग अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करते, इसीलिए बदबू रहती होगी। अगर ऐसा है तो चेन्नई के हर घर में बदबू होगी। करेक्ट बात है। तो इसका मतलब हर घर में भूत है क्या? इन्होंने सवाल तो सही पूछा है। अच्छा आप पूछिए सर। सर लगता है कि ये कभी पब्लिक टॉयलेट में गए ही नहीं है, दो कदम अगर पीछे नहीं रहे तो वहीं उल्टी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब पब्लिक टॉयलेट में भी भूत रहते हैं क्या? बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है कि नहीं? इन्होंने दिया बुझने की बात की, अगर हवा तेज चलेगी तो दिया तो बुझेगा ही ना, इसमें नया क्या है? अगर घर में बीवी ना हो तो सोए हुए सब लोग भूत ही लगेंगे। इसका मतलब हर घर की बीवी से भूत डरता ही है। जिस घर में बीवी रहेगी उस घर में भूत के आने का कोई चांस ही नहीं है, बीवी भूत से बड़ी होती है। तो इनके कहने का मतलब है कि हर घर में बीवी होती है और बीवी को देखना मतलब भूत को देखने जैसा ही है, मतलब हर घर में भूत होता है। हाँ जी, ये लोग कह रहे हैं ना कि भूत होते हैं। अगर भूत हैं, आत्माएं हैं, तो इनसे कहिए कि अभी साबित करके दिखाएं। क्या साबित करने की बात कर रहे हो? मैं साबित करके दिखाता हूँ। क्या बात है, हवा निकल गई क्या? भूत को यहाँ बुला के साबित करूँ या खून पीने वाली चुड़ैल को यहाँ बुलाऊं? ऐसे क्या देख रहे हो, भूत को बुलाकर तुम सबको अपना गुलाम बनाकर दिखाऊं क्या? अब कुछ बोलते क्यों नहीं, हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत है तो सामने आओ। आई एम रेडी। शाबाश, प्रतियोगिता होने वाली है, आइए देखते हैं। पीछे जाओ, आगे आओ, वहां जाकर बैठ जाओ। यहां और कोई है जिसे हम पर भरोसा नहीं है? पीछे जाओ, आ गया, अब वहां जाके चुपचाप बैठ जाओ।
अनबिलीवेबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले आप मुझे बताइए ये कैसे हुआ, यकीन नहीं हो रहा। ये लोग दूसरों को लुभाने के लिए ऐसी विभूति का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं डेविल्स ब्रेथ एंड सोल। पहले के लोग साउथ अमेरिका से इसे लाकर लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते थे, जैसे कि गांजा। इस्तेमाल करने वाला अपना होश खो देता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल चोर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे पूरे वर्ल्ड में बैन किया गया है। इसे इलीगल तरीके से यहाँ लाकर लोगों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ओ माय गॉड, मतलब ऐसा करके ये लोग लोगों को धोखा देते हैं। इसके बारे में और जानकारी दीजिए ना। 2014 में दुनिया में एक सर्वे हुआ था कि भूत है या नहीं, जिसमें से 45% ने कहा कि भूत होते हैं, 55% ने कहा भूत नहीं होते। अच्छा, 45% यानी कि आधे लोग इन पर भरोसा करते हैं। जी हाँ, ये लोग उन्हीं में से आते हैं। लेकिन 45% में से भी 90% लोगों ने अभी तक भूत को देखा ही नहीं है, किसी और की कहानी पर बस विश्वास किया। तो फिर जो 5% बचे, उन्होंने भूत को देखा है क्या? आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? और वो जो 5% बचे हैं ना, वो हमारे पेशेंट हैं। मतलब आप सबको पागल बता रहे हैं। इस दुनिया में भूत है, आत्माएं हैं, ये कहकर 2000 साल से कुछ ग्रुप्स बिजनेस कर रहे हैं। उन्हीं ग्रुप्स में से ये लोग भी आते हैं। मेरा मतलब आत्मा तो हिंदू होती है और डेविल क्रिश्चियन होता है और शैतान मुस्लिम होता है। ऐसी कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया जाता है। यही इनका बिजनेस है। जो लोग मानते हैं कि भूत होते हैं, वही 45% इनके टारगेट होते हैं। मतलब सामने से देखे बगैर ही लोग भूत पे भरोसा कर लेते हैं ना? It's based on science. एक इंसान का दिमाग हमेशा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का इंतजार करता है, भले ही वो उस पे भरोसा करे या ना करे, लेकिन क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में चलती रहती है। उसी क्यूरियोसिटी का फायदा ये लोग अपने बिजनेस में करते हैं। जैसे आप कोई भूत की फिल्म देखते हैं तो किसी किसी की शुरुआत होती है इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी कहकर। क्यूरियोसिटी के कारण ही हमारा दिमाग उस पर भरोसा करने लगता है, और भरोसा करना किसी सच से तो कम नहीं है ना? जो सच साइंस साबित नहीं कर सकता, ऐसे कई सारे सच मेरे पास भी हैं। जैसा एक झोला छाप डॉक्टर को दिखाकर आप सभी डॉक्टर्स को झोला छाप नहीं कह सकते, ठीक वैसे ही आप एक ढोंगी तांत्रिक को दिखाकर सभी तांत्रिकों को ढोंगी नहीं कह सकते, क्योंकि समाज में आज भी सच्चे तांत्रिक हैं। स्वामी जी, आप क्या करते हैं बताएंगे हमें? मैं ब्लैक मैजिक और आत्मा की खोज पर काम कर रहा हूँ, और अभी भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं उसे साबित भी कर सकते हैं? अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर किसी पर भी जादू घुमा सकता हूँ, और अगर किसी पर जादू घुमाया गया हो तो मैं उस जादू को पलट भी सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ यहाँ पर सभी लोगों को अपने जादू से कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके 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 ओके, शांत हो जाइए। That's just an argument. अब इस बात को यही खत्म करते हैं। हमने कई दिलचस्प बातें सुनी। थैंक यू सर, प्लीज टेक योर सीट। हमें Thank अभी you. भी कई बातों पर चर्चा करनी है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर शिव कुमार, तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। Let's welcome डॉक्टर शिव कुमार। नमस्ते, नमस्ते। डॉक्टर शिव कुमार, आप सभी की तरह एक फेमस साइकियाट्रिस्ट हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने आत्मा भूत प्रेत इन पर विश्वास करके काफी रिसर्च किया, बहुत सारी खोज की, और आज ये एक फेमस स्पिरिचुअल हीलिंग थेरेपिस्ट हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आपके आने से बहुत खुशी हुई है। प्लीज बैठिए सर। दोनों ग्रुप्स की बातें आपने सुनी। एक ग्रुप का मानना है कि भूत प्रेत हैं, पर ये लोग नहीं मानते। इस पे आपका क्या कहना है सर? ऑलरेडी आपने बता ही दिया कि मैं साइकेट्रिस्ट का काम स्पिरिचुअल तरीके से करता हूँ। मैं इन दोनों तरफ की दलीलों को अच्छे से समझ सकता हूँ। डॉक्टर अर्जुन के बारे में मैंने बहुत सुना है, वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत ही कम समय में किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, ये इनकी काबिलियत है। मैंने यूट्यूब पर लगभग इनके सारे वीडियोस देखे, वो देखने के बाद मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। जब मैं साइकेट्रिस्ट के रूप में काम कर रहा था, तब मैं तंत्र विद्या पर भी रिसर्च कर रहा था, उसमें मुझे दिलचस्पी ज्यादा लगी। तब मुझे पता चला कि जो तंत्र विद्या होती है उसका साइंस से भी सीधा संबंध होता है। भूत प्रेतों के अलावा मनोशक्ति भी होती है। नेगेटिव एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की कला सीख ली तो कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप जीत जाएंगे। आप कुछ भी कहिए सर, ये लोग भरोसा नहीं करेंगे, हर बार आपसे प्रूफ मांगेंगे। क्यों ना मांगे सर, जब मामला गंभीर हो तो खुद के बच्चे को भी प्रूफ करने के लिए डीएनए सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब मैं जिस घर के बारे में बताऊंगा, तुम सिर्फ एक दिन उस घर में रुक के दिखाओ। अगर तुमने वहाँ रुक कर ये साबित कर दिया कि वहाँ कोई भूत नहीं है, तो मैं आज सबके सामने ये वादा करता हूँ कि मैं अपने ब्लैक मैजिक की रिसर्च रोक दूंगा। मैं तैयार, बताओ घर कहाँ है। आप उस घर के बारे में नहीं जानते, फिर सोच लो, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्यों, अब डर लग रहा है कि आप हार जाओगे? आप सिर्फ घर दिखाइए, बाकी हम देख लेंगे। ये है वो। यहाँ तो ताला लगा है। इस घर के मालिक मदुरई में है, मैं आपको उनका एड्रेस भेजता हूँ, आगे आपकी मर्जी।
आप लोग? नमस्ते मैडम, मेरा नाम मेघा है और ये है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अर्जुन। नमस्ते। अगत्यन सर ने हमें यहाँ भेजा है। आखिर बात क्या है? पेरम्बर में जो आपका घर है उसकी थोड़ी जानकारी चाहिए। आइए पूछिए। थोड़ा पानी मिल सकता है? लेके आती हूँ। हाँ। दिव्या, ये घर आपका है? आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुझे आपसे ट्रीटमेंट नहीं करानी है। हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए हैं। पेरम्बूर में जो आपका घर है हमें उसके बारे में जानना है। उस घर के बारे में अभी क्यों जानना चाहते हैं? उस घर के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमने टीवी पे चैलेंज किया है कि उस घर में एक शो करेंगे, सिर्फ इसीलिए हम यहाँ बात करने आए हैं। हम वो घर किसी को नहीं देने वाले। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। अच्छा एक मिनट, एक बार आपके बेटे से मिल सकते हैं? सिद्धार्थ, 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 क्या हुआ बेटी? सिद्धार्थ कहीं दिख नहीं रहा है, मेरे पास ही तो सोया था। माँ यहीं कहीं होगा, जाओ देखो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, किसे ढूंढ रही है? अपने बेटे को ना? वो इस तरफ गया है, जा जा। सिद्धार्थ, सर
इस केस को जब मैंने खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पहली ड्राइंग में तुम देख सकती हो कि एक पपी किसी कार के नीचे आके मर गया, लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सर, तो फिर ये सिद्धार्थ का बनाया हुआ ड्राइंग है? फोन दीजिए सर, जल्दी। हेलो, निर्मला मिस। निर्मला मिस, कल रात उनका एक्सीडेंट हो गया मैम। एक्सीडेंट हो गया? वो कैसे? स्कूटी पे थी, सामने से लॉरी वाले ने ठोक दिया। एक्सीडेंट हो गया। सिद्धार्थ के क्लास टीचर ने उसे मारा था, इसलिए गुस्से में उसने ये ड्राइंग बना दी, लेकिन ये भी ड्राइंग सच नहीं है। सर, सिद्धार्थ ने जो भी ड्राइंग बनाई है भले ही तुरंत नहीं होती लेकिन बाद में सच हो जाती है। अब तो अपनी आंखों से देख भी लिया, एक बार के लिए कोइंसिडेंस मानकर छोड़ सकते हैं क्या? सर, आप भी कंफ्यूज हो गए हैं क्या? अब हमें क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन के साथ साथ क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई है। पहले उस घर की पूरी जानकारी चाहिए। दिव्या उस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। What's your next move? We are going to Agathian. क्या हुआ? जो कॉन्फिडेंस तुम्हारी आंखों में पहले था वो अब दिखाई ही नहीं दे रहा। लगता है अब उन बातों पर भरोसा करने लगे हो। चलो बताओ क्या बात है। उस घर की जो ओनर है दिव्या, वो मेरी पेशेंट है, लेकिन उसने हमें घर में जाने की इजाजत नहीं दी। उस घर में पहले कौन रहता था, उसके साथ क्या हुआ, तुम लोग यही जानना चाहते हो ना? क्यों, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। आत्मा के ऊपर रिसर्च करने के लिए मुझे एक हॉन्टेड हाउस की जरूरत थी, इसलिए मैंने ही उस घर को एक साल के लिए लीज पर लिया था। वहां पर मुझे कुछ अमानुष शक्तियां महसूस हुई, फिर मैंने उनके साथ कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद सारा मामला बिगड़ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मैं सिर्फ जिंदा बच पाया, लेकिन मेरी जो दाई आंख थी वो हमेशा के लिए चली गई। फिर उसके बाद कार्तिक नाम का एक फिल्म डायरेक्टर है, वो अपनी किसी फिल्म के लिए एक हॉरर स्टोरी लिख रहा था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए वो अक्सर मेरे पास आया करता था। उसे मैंने अपने साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ साफ साफ बताया। फिर एक दिन वो मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आया। स्वामी जी, मैं ना जो कहानी लिख रहा हूं उसे खत्म कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। हर डायरेक्टर के दिमाग में जो ब्लॉक आता है वही मेरे दिमाग में आ रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे लगता है जिस घर के बारे में आप बात कर रहे थे वहां जाके लिखूं तो बात बन जाए। बस एक हफ्ते के लिए उस घर की चाबी दे दीजिए, उसका जो भी रेंट होगा दे दूंगा। अरे नहीं, रेंट की कोई जरूरत नहीं है। कुछ जानने के लिए मैं भी उस घर में गया था पर रह नहीं पाया। इसमें बहुत रिस्क है, वहां पर तुम अकेले कैसे रह पाओगे? नहीं स्वामी जी, मैं वहां अकेले नहीं रहूंगा, मेरा असिस्टेंट साथ रहेगा, सो आई विल टेक केयर। ठीक है, एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हें वो घर दे देता हूं। अगर वहां कुछ भी अजीब महसूस हो तो वहां से तुरंत निकल जाना, यह उस घर की चाबी है। उसके बावजूद भी अगर वहां रुके और तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं तुम्हारी होगी, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं। मैं संभाल लूंगा। घर तो बहुत भयंकर है सर। ये क्या है सर, दीवार पे भैंसे का सर लटका के रखा है?
यहाँ रहकर सोचेंगे ना तो अच्छा कंटेंट मिलेगा। क्यों, डर लग रहा है क्या? नहीं, जितनी जल्दी हो हम लिख के यहाँ से निकल चलते हैं सर। डर मत, एक हफ्ते में निकल जाएंगे। एक हफ्ते में जाएंगे? यहाँ पर भूत के साथ घर बसाना है क्या? आपको बसाना है तो बसा लो सर, मुझे क्यों साथ में मरवाना चाहते हो? ए, क्या बकबक कर रहा है? चल सफाई शुरू करना यार। बोल यार। क्या यार, मैंने सुना तूने कोई बंगला लिया है। हाँ तो? अच्छा सुनना, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। बताना कितना चाहिए? पैसा किसको चाहिए? तो फिर और क्या चाहिए? अरे यार वो फोन पे कैसे बोलूं, सोच रहा था तुझसे मिल। ए, सीधा मुद्दे पे आना यार, क्या दिमाग चाट रहा है। अरे यार मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कार से पांडिचेरी जाने की सोच रहे थे। हाँ? सोचा कार में मजे कर लेंगे। मेरे पास कोई कार नहीं है। कार किसको चाहिए? तूने इतना बड़ा बंगला लिया है, थोड़ा सा दिल बड़ा कर, एक कमरा मुझे दे देना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। पागल है क्या? मैं यहाँ कोई लॉ चला रहा हूँ? गोचो, मूड खराब मत कर, फोन रख। अरे सुना सुना, अब तू गाली खाएगा। मैं यहाँ कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ और इसे मजे करने हैं। सर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, जब से आया हूँ यहाँ कुछ लिखने का मन ही नहीं कर रहा और इसने भी दिमाग खराब कर दिया। सर यहाँ आप क्या बोल के लाए थे कि यहाँ आसपास में अपन ध्यान रखेंगे तो नया कंटेंट जरूर मिलेगा? हाँ। लेकिन यहाँ तो अगल बगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, सतीश भाई ने आपको फोन किया था ना? हाँ। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो नया कंटेंट जरूर मिलेगा। लेकिन उसको यहाँ, ज्यादा मत सोचिए सर, उन्हें बुला लीजिए, कम से कम यहाँ आने का कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है शायद, देखते हैं। लगता तो सही बोल रहा है। चल ओके। हाँ किधर है तू? देख बाहर कहीं जुगाड़ करने की जरूरत नहीं, तू यहीं आ जा। ओके, ओके, ठीक है ना? ओके, अभी आया। आ रहा है। कार्तिक कैसा है यार? मुझे पता था तुम मना नहीं करेगा, इतने सालों की दोस्ती है। अनिता ये कार्तिक, ये शेर, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वेलकम। अच्छा सुनना, रूम किधर है? आते ही रूम चाहिए, सीधा जा उधर ही है। ओके थैंक यू, बाय, कम बेबी। शुरू हो गई। ए शिवा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। कंटेंट के लिए ना मैं तड़प रहा था, और जैसे इन दोनों को देखा ना, एक मस्त कंटेंट हाथ लग गया। सुट्टा खत्म हो गया, जा लेकर आ। ले सर, रात के 11 बज गए हैं। ए जाना यार, एक मिनट, और पानी की बोतल भी लेकर आना। जा जा ना, जा जल्दी जा जा जा।
सतीश कैसी आवाज थी? मुझे लगता कोई बुरा सपना देख लिया, डर गई। बुरा सपना देखा? नहीं कार्तिक, इस रूम में जरूर कोई है। किसने मेरा गला दबाने की कोशिश की? मैं इससे कह रही हूँ, ये मान ही नहीं रहा है। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। ए, ख्याल रख। हाँ सर, मुझसे मिलने के लिए मेरा फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड आए हैं। मैं उनको रेफरेंस में रखकर कुछ लिखने की सोच रहा था, लेकिन मैंने जो कुछ भी लिखा वो सब उनके साथ हो रहा है। सर सिगरेट, वाटर, एक बॉटल अंदर जाकर दे जाओ। ओके। ए सुट्टा, इधर ला पानी, इसको दे, मैं बाहर जा रहा हूं। क्या हुआ, तुम बहुत डरी हुई लग रही हो? मेरे साथ ना मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे ये डर गई है, तू जा। शिवा, दरवाजा खुला ही रहने दो। शिवा, कल हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे। क्या हुआ सर, अभी तो बोले थे अच्छा सीन मिल गया है, फिर अचानक क्या हुआ? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सर वो तो अंधेरे से डर गई है, उसकी वजह से। सर बोले थे स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं भी एक बार देखूं क्या? ये क्या, सर को कोई कहानी नहीं मिल रही थी, अनिता ने जो कहा वही लिख दिया क्या?
अच्छा तो है सीन, तो फिर आधे में क्यों रोक दिया? आगे की स्टोरी मैं खत्म करता हूँ, सर को सरप्राइज दूंगा। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? हाँ समझ गया। दरवाजा धीरे से बंद होता है। हाँ हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना इस रूम में जरूर कोई है तुम्हारे जाने के बाद। मैं इसे उठाने की कोशिश करी थी पर उठा ही नहीं पाई। मैं जो बुक में लिख रहा था वो सच हो गया क्या? ए। इसका स्क्रू ढीला है यार, कल तू जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। अरे तेरे बगल में ही मैं सो रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पागल। हाँ ना पागल तो हूँ, इसलिए तेरे साथ यहाँ पर चली आई। अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। रुको रुको, गाय के लिए रुक रहा है, चल भाग। अच्छा ठीक है चली जाना, अभी देर हो गई है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम इसके साथ आई हो ना तो यही तुम्हें सुबह ड्रॉप करेगा, अगर इस समय बाहर गई और कुछ हो गया तो हम सारे के सारे फंसेंगे। नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं नहीं। अच्छा ठहरो ठहरो, घबराओ मत। ए इस समय कोई बाहर नहीं जाएगा, अगर आप गलत ना समझो तो आप हॉल में सो सकते हो, हम तीनों जागते रहेंगे। चल भाग। सर आपसे कुछ अकेले में बात करनी है सर। हाँ सुनिए, आप जाके हॉल में सोइए, हम आते हैं, डरिए मत, आप जाइए। अनीता के साथ जो कुछ भी हुआ है आपने जैसा लिखा वैसे ही हुआ है? अच्छा वहां पर जो कुछ भी हो रहा है जो आप लिख रहे हैं वही सच हो रहा है क्या? तू ये कैसे जानता है? नहीं सर, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने सोचा कि मैं कंप्लीट करके आपको सरप्राइज दूंगा। और पागल, अकल नहीं है क्या? मुझसे बिना पूछे बुक को हाथ कैसे लगाया? मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले जाके बुक को कचरे में डाल, जा। अरे यार मुझे भी एक दे। पागल हो गए क्या यार? बोल रही है भूत ने रेप किया। ए। आगे तो मेरा नाम भी लगा सकती है, अगर मेरे हाथ में रॉड होता ना तो सर फोड़ देता। मुझे इस पागल से पीछा छुड़ाना होगा, अगर इससे शादी हो गई तो एक दिन भी जी नहीं पाऊंगा। ए। उसके साथ जाके सो जा। हे मैं वहां क्यों सोऊंगा, मैं डरता हूं क्या? तुझे सोना है तो सो जा, जो भी कुछ होगा हम देख लेंगे। ठीक है मैं अंदर जा रहा हूं।
ये तो कोई स्क्रिप्ट लगती है, कचरे के डिब्बे में किसने डाल दिया? क्या लिखा है? अनीता ने दरवाजे की तरफ देखा। अरे ये सब तो सुना सुना लग रहा है। अरे घोंचू लोग, लिखने के लिए कोई कहानी नहीं है, हम दोनों के ऊपर ये लोग कहानी लिख रहे हैं। लेकिन लिखा तो अच्छा है, कचरे के डिब्बे में किसने डाल दिया? अब मैं इस कहानी के क्लाइमेक्स को लिखकर अपने दोस्त को सरप्राइज दूंगा। पानी की बोतल तो अंदर दी थी, ये दरवाजा कैसे खुला है? मैं जरा पानी की बोतल ले लूं भाई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? तुम लोग ने इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था ना, मैंने इसका क्लाइमैक्स जमा दिया है। अच्छा, मैंने लिखा तू पानी की बोतल लेने आएगा, तू सच में आ गया? भाई क्लाइमैक्स में तुमने क्या लिख दिया? उस पागल को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए ना। यही सब लिखा है ना तुमने बुक में? उस बुक में जो कुछ भी लिख रहा है वो सब कुछ सच हो जा रहा है, इसलिए उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। तुमने निकाल के ये सब लिख दिया, अब तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये देखो, ये वही डायरेक्टर है जिसने उस लड़की को मारा था और आजकल जेल में है। अब अगर मैंने इसके लिए सबूत भी दिए तो कोर्ट मेरी बात कभी नहीं मानेगा, जानता। लीज के खत्म होते ही मैंने घर की चाबी मकान मालिक को वापस कर दी और उसके बाद मैंने उस घर के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। उस दिन आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, इसीलिए मैंने आपको उस घर में रहने का चैलेंज दिया। कल सुबह होते ही सबसे पहले हम शिव कुमार जी से मिलने जाएंगे, उनके पास से हमें जरूर कुछ डिटेल्स मिलेंगे। ओके सर। लगता है आप लोगों ने वो घर देख लिया। जी देख तो लिया, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। इतना कुछ हो चुका है, आपकी बातों से लगता है उस घर में जादू घुमाया गया है। जादू घुमाया? क्या मतलब? इन बातों पर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट इट्स ट्रू। असल में जादू घुमाने के पीछे बहुत बड़ा साइंस भी है। इंसान के शरीर को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है साधारण शरीर, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा है ऊर्जावान शरीर, दैट मीन्स ऑरा। जैसे किसी इंसान के हाथों में उसकी रेखाएं होती हैं, उसी तरह केंद्रीय ऊर्जा भी होती है, उसे ऑरा कहते हैं। और तीसरी शक्ति होती है शरीर, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब हम एक साधारण शरीर को देखते हैं और अगर उसमें कोई तकलीफ होती है तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और जब ऊर्जा संबंधित परेशानी होती है तो हम उसे उसके जानकार के पास ले जाते हैं। अगर किसी को ऊर्जा से संबंधित परेशानी है तो मेरे जैसे लोग उसे पहचान लेते हैं, और इसे ही कहते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग्स, जो मैं अभी कर रहा हूँ। अगर कोई तांत्रिक चाहे तो एक जगह बैठे बैठे आपको तकलीफ पहुँचा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या सर? जैसा मैंने पहले कहा था, हर एक ऑरा के पीछे एक यूनिक चीज है। अगर किसी को तकलीफ पहुँचाना है तो उसका रक्त, नाखून, बाल, वस्त्र, इनमें से कोई भी चीज अगर हम तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं तो वो तांत्रिक विद्या से उस व्यक्ति को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, पर इसका और साइंस का क्या संबंध है? हाँ है, साइंस के हिसाब से हम इसे टेलीपैथी कह सकते हैं।
हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग होते हैं जिनके ऑरे के अंदर एक रेडिएशन का दायरा होता है, और उस दायरे के अंदर जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो हम उसे पहचान जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को याद कर रहा था कि आप लोग आ गए, मेरे सोचने की वजह से आप लोग यहाँ नहीं आए बल्कि ऑरा के दायरे में आने की वजह से मुझे आप लोग की याद आई। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे जादू घुमाया जाता है, मेरा मतलब है शरीर से निकलने वाला पसीना, रक्त, बाल, ये सब ऑरे के दायरे में होते हैं। इनमें से कोई भी चीज लेकर गुड़िया के अंदर डालकर उस पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाए और उसमें सुइयां चुभोई जाएं, तो जिस व्यक्ति को आप तकलीफ देना चाहते हैं उस व्यक्ति को सीधा तकलीफ पहुंचेगी। हमारी इस तंत्र विद्या में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा, ये सब खोजा किसने? जिस समय वेदों को लिखा गया उसी समय इसे भी लिखा गया। ऋग, यजुर, चाम और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। कहते हैं अथर्ववेद के अंदर अष्टकर्मा नाम का भी एक पाठ है, उसके अंदर तंत्र विद्या का भी वर्णन किया गया है। ये क्या है सर, बुरे काम के लिए भी कोई वेद लिखा गया है? नहीं, इसे आपने गलत समझ लिया। कोई भी वेद किसी गलत काम के लिए नहीं लिखा गया। पहले के समय में जब राजा लोग किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेते थे तो वो उस राज्य के भी राजा बन जाते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर रहता था कि वहाँ की प्रजा अपने पुराने राजा की वफादारी के लिए उनके साथ कोई षड्यंत्र ना करे। इसीलिए राजा किसी सिद्ध बाबा से वशीकरण बूटी लेकर उस राज्य की प्रजा को खाने के लिए दावत पर बुलाता था। उस खाने में वो वशीकरण बूटी का प्रयोग करता था जिससे प्रजा उसकी वफादार हो जाए। किसी पे किया हुआ जादू हम घुमा सकते हैं क्या? घुमा सकते हैं, लेकिन जिसने भी जादू को घुमाया है उसने किसके ऊपर जादू किया है और उसके पीछे उसकी मनसा क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। मेरी पेशेंट दिव्या के ऊपर किसी ने जादू घुमाया है या नहीं, क्या आप ये बता सकते हैं? इसके लिए मुझे उससे मिलना होगा। मैं उसे लेकर आऊंगा। मैंने उसी दिन कह दिया था कि घर की चाबी नहीं दे सकते, फिर आप लोग बार बार आकर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हम उस घर के लिए नहीं आए हैं। तो फिर कोई नई परेशानी खड़ी करने के लिए आए हैं? जो कुछ भी हो हम आप लोगों से बात करना नहीं चाहते, आप लोग यहां से जाइए प्लीज। दिव्या, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं प्लीज। बताइए क्या बात है? मैं आपकी परेशानियां दूर नहीं कर सकता, ये बात मैं जान गया, पर आपकी जो प्रॉब्लम है कोई है जो इसे सॉल्व कर सकता है? ठीक है, आती हूँ। आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू घुमाया है। कोई साधारण तांत्रिक इस तांत्रिक विद्या को नहीं घुमा सकता। जिस तांत्रिक को पूरी जानकारी है सिर्फ वही ये कर सकता है। इसे कहते हैं एनिमिज्म। अफ्रीका के आदिवासी पुराने समय से ही इस तंत्र विद्या का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इस तंत्र विद्या को वूनम भी कहते हैं। एक जिंदा भैंसे की बलि देकर उस पर मंत्रोच्चारण किया जाता है। इस प्रयोग से जिस पर भी इस बलि का प्रयोग किया जाएगा उसके संबंधित खून पर इस तंत्र विद्या का पूरी तरह से असर दिखेगा। इससे उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां प्रभावित दिखेंगी और आने वाली पीढ़ियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जब तक पूरी तरह से खून का रिश्ता खत्म ना हो जाए। मुझे लगता है कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने ही परिवार पर जादू घुमाया है। आपके परिवार में किसी से कोई दुश्मनी चल रही है? मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी फैमिली का मेरी बड़ी माँ की फैमिली से जायदाद को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, माँ ने बताया, इसलिए ही वो घर छोड़कर कहीं दूर चले गए। लेकिन उनके और हमारे बीच अब तो कोई संबंध ही नहीं है। अब वो लोग कहाँ रहते ये तो हम नहीं जानते।
मेरे जन्म से पहले मेरी फैमिली और मेरी बुआ एक साथ ही रहते थे, बट एक कार एक्सीडेंट में मेरी बुआ, फूफा जी और उनकी बेटी तीनों ही गुजर गए। उनके गुजरने के कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी भी बीमारी की वजह से चल बसे। ऐसे एक से बढ़कर एक मौतें उस घर में होती रहीं। अब माँ उस घर में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे लेकर नाना जी के पास चली आई। आपके कहने के मुताबिक आपके घर में जायदाद के अलावा और कोई समस्या नहीं है, इसलिए जायदाद के लालच में ही आपके परिवार के ऊपर जादू किया गया है। आपके अनुसार बड़ी माँ से जायदाद का मसला है। हाँ स्वामी जी, आप हमें इससे निकाल पाएंगे? इस तरह से इसे कोई नहीं निकाल सकता। एक बार जादू हो गया तो हो गया, बट जिसने इसे किया है हम वही उसके ऊपर घुमा सकते हैं, पर पहले हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। जिसने ये किया है उसका खून, बाल, नाखून, वस्त्र, इनमें से कोई एक चीज लानी होगी। इतना कुछ हो गया, आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। शायद आप सुनकर डर जाएंगी, इसीलिए नहीं बताया होगा। इन सब चीजों से वो भी जरूर गुजरी होंगी। आपकी बुआ का परिवार कैसे खत्म हुआ ये बात अपनी माँ से पूछ कर देखिए, और उनसे ये भी पूछिएगा इस बात को लेकर किस पर शक है, क्योंकि बुआ का परिवार इसी से प्रभावित होकर खत्म हुआ है। आपके नाना जी इसी कारण पैरालाइज हो गए हैं। पता लगाइए कि भैंसे का सर किसने रखा है, आगे का हम संभाल लेंगे। जिसने भी आपके परिवार के ऊपर जादू किया है उसका जिंदा रहना जरूरी नहीं है, कोई एक भी बचा है तो उसका ही बाल ले आना, वो जादू उस पर ही घुमा देंगे। मुझे एक छोटा सा डाउट है। जिसका भी उनसे खून का रिश्ता नहीं है वो उस घर में क्यों नहीं रह सकता? क्यों? जिसने भी ये जादू घुमाया है उसके सिवा वहां कोई नहीं रह सकता, सिर्फ वही रह सकता है। अच्छा, फिर तो ये तो वहां रहती नहीं है, फिर इतनी परेशान क्यों है? इनके किसी परिवार के सदस्य के बाल को लेकर के जादू किया गया है जिससे इनका खून का रिश्ता है, इसीलिए ये भी परेशान रहती हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो हमसे बच नहीं पाएगा। अगर मेरी भविष्यवाणी सच है, घर में भैंसे का सर जरूर होगा, ये जाकर के देखना। अगर उसे वहां से हटा दें तो उस घर में कोई भी आकर रह सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसे हटाएंगे उसे तुरंत नष्ट कर देना होगा, वरना उसका विपरीत असर हो सकता है। दिव्या, आप घर पर जाकर अपनी माँ से पूछो, देखो क्या बताती हूँ, उन्हें जो पता होगा वो तुम्हें बताएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा, मुझे एक छोटा सा काम है। दिव्या, उस डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? हम पर किसी ने जादू टोना किया है माँ, इन सब के पीछे यही वजह है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आपने कहा था कि बुआ की फैमिली एक्सीडेंट में मरी थी, ये सच है क्या? उस बारे में अभी क्यों पूछ रही हैं? अगर उस बारे में पता चल जाए तो सारी परेशानियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जो भी आपसे पूछूंगा उसका जवाब देंगे? हाँ दूंगा। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे फूफा बहुत पसंद थे, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसी समय तुम्हारी बुआ स्टीफन नाम के लड़के से प्यार करने लगी और एक दिन उसने उसी लड़के के साथ शादी रचा ली और घर लेकर आ गए। बहन ने शादी रचा ली थी, लड़का दूसरे धर्म का था, ये सब भूल कर भी उन्होंने उसको अपना लिया सिर्फ अपनी बहन की खातिर। स्टीफन के परिवार में कोई सहारा देने वाला नहीं था, इसीलिए वो यहाँ आकर घर जमाए बनकर रहने लगा। उन दोनों की हंसी खुशी देखकर
तुम्हारे पिताजी भी बहुत खुश रहते थे। एक ही साल में उन्हें एक लड़की भी पैदा हुई। 5 साल तक तो स्टीफन बहुत अच्छे से था, उसके बाद उसका कैरेक्टर धीरे धीरे बदलने लगा। जुए की लत ने उसे गुलाम बना दिया। जुआ खेलने के लिए उसने पूरे गांव से कर्ज ले लिया। अब रोज रोज कर्जदार घर आकर धमकियां देने लगे। ये सब चल ही रहा था कि एक दिन स्टीफन बहुत पीकर घर आया और तुम्हारे पिताजी से कहने लगा कि आज ही मुझे दीपा का हिस्सा बांट दीजिए या उसके बदले पैसे दे दीजिए। तुम्हारे पिताजी राजी नहीं हुए तो फिर गुस्से में आकर स्टीफन घर पे आके झगड़ा करने लगा। उसने दीपा को मार दिया और बच्ची को भी मार दिया। दीपा और बच्ची को मारने के बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। कोई नहीं बचा, पूरा परिवार उसने खत्म कर लिया। तुम्हारे पिताजी मंदिर गए थे, जब वापस लौटे तो ये सब देखा, उनका दिल टूट गया और वो भी चल बसे। अच्छा ठीक है, आपने कहा था बड़ी माँ से जायदाद का मसला है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो सच है ना? हाँ ये बात सच है। कर्ज बढ़ जाने की वजह से तुम्हारी बड़ी माँ पुराने घर के दस्तावेज मांग रही थी, पर पिताजी ने उसे नहीं दिए और इसी से नाराज होकर वो पागल घर छोड़कर चली गई। अब वो कहाँ है, कैसी है, कोई भी नहीं जानता। मुझे तो बड़ी माँ के ऊपर ही शक है माँ। हमारे घर के अंदर वो भैंसे की खोपड़ी किसने रखी थी आप जानती हैं? उस पर ही हमारे नाम से जादू टोना किया गया है। उसे जिसने भी रखा होगा हम उसे पलटकर भेज सकते हैं आंटी। उनकी फोटो है क्या? फोटो, फैमिली एल्बम। हाँ। ये वेदिका है, तुम्हारी बुआ की बेटी। ये बच्ची तो मेरे सपने में आई थी। ये तुम्हारी बुआ दीपा और ये स्टीफन, और ये जो साथ में खड़ी है ना, ये तुम्हारी बड़ी माँ है और मेरी सगी बहन भी है। अम्मा, ये तुम्हारे पिताजी और मैं। अर्जुन, हेलो, हेलो। दिव्या अभी आप कहाँ हो? मैं घर पर ही हूँ। बताइए क्या बात है? मेघा वहीं पर है ना? नहीं, मेघा यहाँ से चली गई। आपने अपनी माँ से बात की? हाँ मैंने बात की, उसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी। नाना जी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों है? आपने उनके साथ क्या किया? नाना को कुछ नहीं हुआ है, इज ऑल राइट। अब एक मिनट भी वहाँ पर मत रुकना। दुनिया कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोरोना ने रूप बदल कर हमला कर दिया। माँ, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट, हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे, जल्दी चलो निकलना है। ए, रुक, इतनी जल्दी में तो कहाँ चलने के लिए कह रही है? मैं बाद में बताऊंगी, चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, पहले मुझे बता। मैं सब बताऊंगी, पहले चलो। मैं बिना वजह जाने इस घर से नहीं निकलने वाली। आपकी लता नाम की एक बहन भी है ना, उनके और आपके बीच में जायदाद का मसला भी है और इसी वजह से आपने उन पर जादू टोना किया। लेकिन अब सब कुछ उन्हें पता चल गया है। अब अगर हम दोनों में से कोई भी उन्हें मिल गया तो वो लोग सब कुछ पलट देंगे। अर्जुन क्या हुआ, अचानक तुमने यहाँ क्यों बुला लिया? बताता हूँ,
आपकी फैमिली पे जादू किया गया है, ये बात सच है। ये देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ दूंगा। इस परिवार पर जादू किसने घुमाया क्या आप जानते हैं? जानता हूं। बताइए क्या जानते हैं? बताइए। उस पर जादू मैंने ही किया था। एक जमाने में अगल बगल के सारे गांव में सबसे बड़ा तांत्रिक मही था। गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझसे ना डरे। मैंने अपनी बेटी लता की शादी उसी गांव में एक बड़े घर में करवा दी थी। दीपा और स्टीफन को एक बेटी पैदा हुई। वो लोग बहुत खुशी से जी रहे थे। इसी तरह 5 साल बीत गए। दीपा फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन मेरी बेटी को अभी तक एक भी संतान नहीं हुई थी। संतान ना होने की वजह से मेरी बेटी का दिल टूट गया। वो उदास रहने लगी और उसी समय में मोहन ने आग में तेल डालने जैसा फैसला ले लिया। वो पूरी जायदाद को अपने और दीपा के बीच में बराबर के हिस्से में बांटना चाहता था। ये बात सुनकर मेरी बेटी रोते रोते मेरे पास आई। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? मुझे उस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं पिताजी। आखिर हुआ क्या है? हमारी जायदाद को दीपा में भी बराबर से बांटने की बात हो रही है पिताजी। वो फिर से गर्भवती हो गई है। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। उन लोगों की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही पिताजी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास तो संतान ही नहीं है, तो सारी जायदाद वो ही हड़प लेंगे। तुझे दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटी। मेरा काम पसंद नहीं है, इसलिए मेरी पहली बेटी मुझे छोड़कर चली गई। अब सिर्फ मेरे पास तू ही है। तुझे क्या चाहिए सिर्फ मुझे बता दे, तेरे लिए जान हथेली पर रख दूंगा। बता क्या चाहती है तू? दीपा और उसके परिवार का सर्वनाश हो जाए। पिताजी, आओ बेटी। मैं आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती थी। बताओ बेटी क्या बात है? भाभी ने आपको तो बताया ही होगा ना पिताजी कि मैं दोबारा गर्भवती हूँ, और उन्हें तो बेटा बहुत पसंद है पिताजी। अब बेटा पाने के लिए आप कोई तंत्र विद्या कर सकते हैं क्या? कर सकता हूँ, पर उसके लिए काम करना होगा। बताइए ना पिताजी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपने पति के सर के बाल को मुझे लाके दो। पर वो किस लिए? अगर बेटा चाहिए तो पिताजी के शरीर का एक हिस्सा चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं लेकर आऊंगी। ये बात किसी को पता ना चले, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। चलती हूँ भाभी। स्टीफन के सर के बाल किस लिए पिताजी, इसका भी तो कुछ कीजिए। अब मैं जो करने जा रहा हूँ बहुत बड़ा मामला है। खून के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। अगर दीपा को कुछ करूंगा तो तुम्हारे पति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दीपा और तुम्हारे पति का खून का रिश्ता है, और दूसरी तरफ स्टीफन और उसकी बच्ची, उनके बाद तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन स्टीफन तो बार बार चर्च जाता रहता है, तो वहाँ प्रीस्ट के जरिए उसे कुछ पता तो नहीं चल जाएगा ना? एक बार इसे रख दिया तो कोई भी इसे हटा नहीं पाएगा। सिर्फ इसका पता लगाकर इसे वापस भेजा जा सकता है, पर इसका पता लगने से पहले इसके पूरे परिवार का सर्वनाश होना तय है। इसको घर में लटका दो, उसके बाद जो सोचोगी वही होगा।
ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, गांव वालों की बुरी नजर हमारे परिवार पर रहती है ना, तो भाभी के पिताजी ने मुझे ही घर में लटकाने के लिए दिया। इसे लटका देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेट में बच्चा है, कुछ भी काम करती हो। लाओ इधर, लो मैं करता हूँ। जैसा मैंने कहा था वैसा ही उसने अपने घर में लटका दिया, और जादू का असर बढ़ने से परिवार में खलबली मच गई। रोज झगड़े होने लग गए। दीपा और स्टीफन के बीच में भी झगड़े शुरू हो गए थे। क्या हुआ? आप यहां बैठ के क्या सोच रहे हैं? बताइए ना क्या हुआ? स्टीफन ने आज मुझे धक्का मारा। मेरा जी घबरा रहा है, मैं मंदिर जाके आता हूं। ए, जा, आओ, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, बच्ची के सामने शराब पीती हो तुम्हें समझ नहीं आता? बोल रहा हूँ, मुझे हाथ मत लगा। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहे क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जी इतनी हिम्मत। ऐसे ऊपर क्या देख रही हैं? उस झगड़े में स्टीफन ने दीपा और उसकी बेटी को मार दिया। पिताजी, आप यहाँ क्या करने आ गए? जानता हूँ इसलिए यहाँ पे आया। तेरा पति कहाँ है? उनका मन ठीक नहीं था तो मंदिर गए हैं, अभी तक आए नहीं। जादू का असर इस बच्ची पे भी होगा, इसलिए इसको भी मारना होगा। मैं इस बच्ची को पालूंगी पिताजी। हा? मेरी औलाद नहीं है वो बच्ची, और कोई नहीं है, दिव्या है। इसलिए जादू का असर दिव्या का पीछा आज भी कर रहा है। जिसने भी इसे किया उसका बाल नाखून खून वो लेकर के आना, हम जादू पलट देंगे। जिसने मेरे माँ बाप को मारा मैं उनके साथ ही पली बड़ी। चिंता मत करो दिव्या,
आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जादू हमने उन लोगों पर पलट दिया है। मेरी माँ, जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा और जिसने उन्हें मारा, उसी ने मुझे पाला पोसा। जिसने मेरी फैमिली को मिटाया, मैं उसका सर्वनाश होते देखना चाहती हूँ। हमने ये जादू उनके परिवार के ऊपर पलट दिया है, तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर होगा। वहां पर कुछ भी हो सकता है। सब कुछ खत्म हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने उसी दिन कहा था उस बच्ची को मार देते हैं। अब उसे सब कुछ पता चल गया है। उसने जादू को घुमाकर हम पे छोड़ दिया है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी माँ ही दिव्या की बड़ी माँ है। पिताजी के जादू टोना करने की वजह से वो यहाँ से चली गई। मेरी माँ का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, वो बेकसूर है। जानता हूँ, काम डाउन। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उनमें से बदला लेने वाला कोई भी नहीं बचा। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। नहीं सर, इसके आगे इसका असर और भी बढ़ने वाला है। पर ये कैसे अर्जुन? हमने तो जादू पलट दिया है ना। जैसे दिव्या के साथ खून का रिश्ता होने की वजह से ये सब हुआ, वैसे ही आपने जादू पलटा है और लता जी उनके परिवार का हिस्सा है। और मेघा की जो मां है वो लता जी की सगी बहन।
तो खून का रिश्ता तो साफ है। अब मेघा के ऊपर या इसकी फैमिली के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। Ha 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 ha!